एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मॉम स्टोरी बाय साना। एडॉप्शन के हिंदी एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि हम आज का ये एपिसोड स्टार्ट करें, मैं सबसे पहले तो मेरे सारे व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने जो है हमारे लाइव स्ट्रीम को देखा, सराहा और दहे दिल से धन्यवाद भी कहा, और काफी सारे क्वेश्चंस जो उनके थे हम लोगों ने आंसर किए। तो जो नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम हम लोग करने वाले हैं वो होली के जस्ट पहले होगा, मतलब कि 27 मार्च को हम लोग एक बार दोबारा से लाइव स्ट्रीम ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें हम वो सारी बातें करेंगे जो हम पहले वाले लाइव स्ट्रीम में नहीं कर पाए, जैसे कि इमीडिएट प्लेसमेंट और उसके अलावा एडॉप्शन डिस्क्लोजर के बारे में बात करेंगे और सिंगल पेरेंटिंग के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से 3-4 टॉपिक्स जो है हम नेक्स्ट वाले अपने एपिसोड में, लाइव स्ट्रीम एपिसोड में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का ये एपिसोड। जैसा कि ऑलरेडी सब्जेक्ट लाइन में मैंने मेंशन किया हुआ है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें एडॉप्टिव पेरेंट्स से नहीं कहनी चाहिए। ये दुनिया है, दुनिया में हर तरह के लोग रहते हैं, अच्छे बुरे, मतलब समझदार ना समझ, हर तरह के लोग रहते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो ये एक जनरल टेंडेंसी होती है लोगों की कि कुछ ना कुछ सवाल पूछना है। तो उसमें से सबसे पहले तो जो अगर फोन पे सुनते हैं कि बच्चा हो गया तो उनका सवाल होता है कि लड़का हुआ या लड़की हुई। फिर दूसरा जो सवाल होता है जब भी बच्चे को देखने आते हैं लोग, तो अक्सर जो है वो सिमिलैरिटीज ढूंढने की कोशिश करते हैं कि बच्चा किसके जैसे दिखता है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब आपका जो बेबी है जो वो हार्ट बेबी है, मतलब कि वो दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री है, कुछ लोगों को पता होता है कुछ लोगों को नहीं पता होता है। तो जिन लोगों को नहीं पता होता है तो वो अक्सर ऐसे सवाल पूछेंगे आपसे कि तो आपकी बेटी ना तो आपके जैसे दिखती है ना ही आपके मतलब हस्बैंड के जैसे दिखती है, ना आपकी फैमिली में से किसी से रिजेंबल करती है क्या। तो ये जो सवाल है इसका जवाब देना मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब कंफ्यूजिंग हो जाता है, और कई लोग इस सवाल से जो है घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि क्या बोले, कैसे बताएं, कि मतलब बताने में कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है कि क्या हमें हर एक को जाके ये बताना जरूरी है कि हमारा जो बच्चा है वो एडॉप्टेड है। मेरे ख्याल से नहीं, जरूरत नहीं है तो बताने की जरूरत भी नहीं है, मतलब इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। मतलब ऐसा नहीं कि आपको हर एक को मतलब बताना है कि नहीं हमारा बच्चा जो है वो एडॉप्टेड है इसीलिए वो हमारे जैसे नहीं दिखता है, नॉट रिक्वायर्ड। हंस के डाल दीजिए इस बात को, और कुछ नहीं है। लेकिन इन जनरल मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि किसी का बच्चा उनके जैसे दिखता नहीं है, मतलब कुछ सिमिलैरिटीज नहीं आप ढूंढ पाते हैं, तो उसको पोक मत करिए, मतलब उसमें ना घुसेड़ के जो है उनको उंगली मत करिए कि ये किसके जैसे दिखता है। नहीं दिखता है नहीं दिखता है, जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो अपने माँ बाप के जैसे दिखे। बायोलॉजिकल बच्चे भी कई ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं दिखते हैं, उनकी जीन्स पर डिपेंड करता है कि बच्चा किसके जैसे दिखता है। कई बार ग्रैंड पेरेंट्स के जीन्स होते हैं, कई बार जो है रिलेटिव जो उनके रिश्तेदारों में या बड़े मतलब परदादा परदादी या नाना नानी, मतलब जेनेटिकली वो कहीं से भी जीन्स इनहेरिट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो बच्चा हमेशा अपने माँ बाप के जैसा ही दिखे। तो प्लीज सबसे पहले तो नॉट जस्ट एडॉप्टिव पेरेंट्स से, लेकिन किसी भी पेरेंट्स से जो है इन जनरल मैं सारे पब्लिक को ये कहना चाहूंगी कि स्टॉप फाइंडिंग सिमिलैरिटीज, किसके जैसे दिखते हैं ये ढूंढना छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है किसी के जैसे दिखते हैं तो बताइए, नहीं लगता है किसी के जैसे नहीं दिखते हैं तो उंगली करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर जो अक्सर लोग पूछते हैं उन पेरेंट्स से जिन्होंने अडॉप्ट किया हो, कितने पैसे दिए। कोई सामान नहीं खरीद रहे हैं कि हम मतलब कितने पैसे दिए, कितना उसका मोल लगाया जा रहा है, बल्कि एक पेरेंटहुड में एंटर करना जो है इट्स सो प्रिशियस, इतना अनमोल है ये एक्सपीरियंस कि कितना भी आप इसमें मतलब कॉस्ट हो इन्वॉल्व हो, उसमें किसी भी तरह से कॉस्ट इन्वॉल्व हो, उसका हम जो है हिसाब नहीं लगा सकते हैं। उनके इंटेंशंस जो है वो बुरे नहीं होते हैं कई लोगों के, लेकिन पूछने का तरीका शायद गलत होता है कि कितने पैसे लगे। इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि कितने पैसे लगे, वो चाहे तो ये पूछ सकते हैं कि पूरा प्रोसेस का क्या कॉस्ट लगा,
इन जनरल भी जैसे कि आप नॉर्मल अगर डिलीवरी होती है या फिर सिजेरियन होता है या फिर कोई आईवीएफ करवाते हैं, उसमें भी कॉस्ट इन्वॉल्व होता है कि नहीं? हॉस्पिटल के जो बिल्स होते हैं तो वो तो हम पे करते हैं ना, उनसे तो हम जाके पूछते नहीं है कि कितना पैसा लगा। अगर उनसे भी अगर आप पूछते हैं तो आप पूछते हैं कि हॉस्पिटल ने कितना चार्ज किया, करेक्ट? उसी तरह से अगर आप एडॉप्टिव पेरेंट्स से ये जानना चाहते हैं कि एडॉप्शन के क्या एक्सपेंसेस है, तो आप उनको पूछिए कि एडॉप्शन प्रोसेस में आपको कहाँ पे कितना एक्सपेंस आया, इंस्टेड ऑफ बच्चा कितने में लिया आपने। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मतलब काफी लोगों को क्यूरियोसिटी से पूछते हैं, मतलब उसको तो कोई बुरा इंटेंशन नहीं होता है इससे, लेकिन क्यूरियोसिटी से ये बात जरूर पूछते हैं कि बच्चे के जो है बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में कुछ पता है क्या? तो ये तो बात आप लोगों को मैं पहले बता देना चाहती हूँ कि हमारे इंडिया में जो है क्लोज्ड एडॉप्शंस होते हैं, ठीक है? तो क्लोज्ड एडॉप्शन में कभी भी बर्थ पेरेंट्स के बारे में कोई भी बात डिस्क्लोज नहीं होती है, और ना ही बर्थ पेरेंट्स को अगर एजेंसी के वो टच में है तो उनको ये बात डिस्क्लोज की जाती है कि उनका बच्चा कहाँ पे जो है एडॉप्शन के लिए दिया गया है। तो ये भी मत पूछा करिए कि बर्थ पेरेंट्स के बारे में पता है क्या, क्योंकि बर्थ पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता होता है। और अगर कोई भी आपसे ये सवाल पूछते हैं कि बर्थ पेरेंट्स के बारे में कुछ पता है क्या, कौन से जात के हैं, कौन बिरादरी के हैं, तो लोगों को इन सब चीजों में बहुत क्यूरियोसिटी होती है। सीधा सा मतलब जवाब यह है कि हमारे इंडिया में क्लोज एडॉप्शन होते हैं, इसीलिए बर्थ पेरेंट्स की डिटेल्स बिल्कुल भी पता नहीं चलती है और ना ही हमें जानने की जरूरत है। ये जो सवाल है ये बहुत ही पेचीदा सवाल है, इसमें लोगों को मतलब समझ नहीं आता है। जनरल मतलब परसेप्शन लोगों का यह है कि एडॉप्शन तभी किया जाता है जब हमारे बायोलॉजिकल बच्चे नहीं होते हैं, नहीं हो सकते हैं किसी भी वजह से, तो ही हम जो है एडॉप्शन करते हैं। तो सबसे पहले तो उन लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि अगर बच्चे नहीं होते हैं तभी लोग एडॉप्शन करते हैं। एडॉप्शन करने के कई अलग अलग वजह हैं जो कि हमने अपने हमारे पुराने वीडियोस में भी डिस्कस किया है, लाइव स्ट्रीम में भी हमने इस बारे में बात किया है। तो एडॉप्टिव पेरेंट्स से जाके ये सवाल पूछना कि जब तुम्हारे अपने बच्चे हो सकते थे तो तुमने एडॉप्ट क्यों किया, ये सरासर गलत सवाल है और बहुत ही ज्यादा मतलब दुखदाई सवाल है, क्योंकि हर इंसान का जो है फैमिली डायनामिक्स अलग होता है, उनके सोचने का तरीका अलग होता है, उनकी जिंदगी उनको जीने का पूरा अधिकार है अपने तरीके से। अगर किसी ने अडॉप्ट करने का डिसीजन लिया है तो बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लिया होगा, ऐसे ही सुबह उठ के मतलब नहीं सोचा होगा कि हाँ आज मैं जाके अडॉप्शन के लिए रजिस्टर कर दूं। तो इसीलिए प्लीज कोशिश करिए कि आप उनसे इस तरह के सवाल ना पूछें कि जब आपके अपने बच्चे हो सकते थे तो फिर आपने एडॉप्शन क्यों किया। एक और मतलब लोगों की होती है एक तरह से दुआएं बोल लीजिए या फिर बददुआएं बोल लीजिए, समझ में नहीं आता है। उनको लगता है कि एक बार आपने एडॉप्ट कर लिया तो फिर आपके अपने भी बच्चे हो जाएंगे। तो ये अपना अपना जो बहुत मतलब जो वर्ड यूज करते हैं ना लोग, उससे एक तरह से जो एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उनको बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचता है, क्योंकि जो बच्चा हमने अडॉप्ट किया है वो भी हमारा है, वो भी अपना है, वो पराया नहीं है, वो तो अपने बच्चे हो जाएंगे क्या मतलब है, तो अब तो मेरा अपना बच्चा है ही ये। तो इंस्टेड ऑफ यू नो लाइक सेइंग एनीथिंग लाइक दैट, आप उनको दुआएं दीजिए, कहिए कि चलिए अब तो आप बहुत जल्दी आपको इसके साथ खेलने वाला एक और आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वो किस तरह से आएगा उसके आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी जो माँ बाप है वो जानेंगे कि उनको बायोलॉजिकली होगा या फिर वो दूसरा अडॉप्ट करेंगे। तो इसके अलावा एक और मतलब लोग जो है बोलने लगते हैं कि जो बच्चा तो बहुत ही ज्यादा मतलब खुश नसीब है जो आपने उसको एडॉप्ट किया है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं एडॉप्शन करके। गोद लेने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के ऊपर एहसान कर रहे हैं। गोद हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम अपनी फैमिली को कंप्लीट करना चाहते हैं या फिर हम पेरेंटहुड की जर्नी में जो है एंटर करना चाहते हैं। तो इसलिए ये कहना कि बच्चा बहुत लकी है, एक तरह से आप इंसल्ट कर रहे हैं सामने वाले का और उस बच्चे का भी, कि बच्चा जो है एहसानों तले दब गया है। जिस तरह से एक शादी में एक लड़का और एक लड़की म्यूचुअली अग्री करते हैं कि हम जिंदगी साथ में गुजारेंगे, तो यहाँ पे बस फर्क इतना है कि जो बच्चा है वो माइनर है, वो ये डिसीजन नहीं ले सकता, तो उसके बिहाफ पे
कोई और डिसीजन ले रहा है कि हाँ अब जिंदगी भर के लिए हम एक दूसरे के सहारे हैं, हम एक दूसरे को जो है एक पेरेंट्स और एक बच्चे का जो है रिलेशनशिप में हम अब बंध रहे हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों को मतलब इन जनरल जनरल पब्लिक को अवॉइड करनी चाहिए, मतलब एडॉप्टिव पेरेंट्स से बोलने के लिए। तो इस तरह की बातें अगर ना ही करें तो बेहतर होगा। और मैं ये गुजारिश करूंगी जितने एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को जो है इस बारे में एजुकेट करें, इस बारे में समझाएं कि उन्हें किस तरह से बातें करनी चाहिए या किस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इट्स नॉट मतलब हर किसी को आप नहीं समझा सकते हैं, लेकिन इस बात के लिए तैयार रहिए कि इस तरह के कुछ सवाल जो है आप लोगों से जरूर पूछे जाएंगे अगर आपने एडॉप्शन किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर हम आपसे मिलते हैं 27 मार्च को, जिस दिन हम फिर से लाइव स्ट्रीम करेंगे। और तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल मॉम स्टोरी बाय सहना। और एडॉप्शन से रिलेटेड जो है कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं रेगुलरली शायद ना ला पाऊं क्योंकि एट प्रेजेंट काफी कमिटमेंट्स आ गए हैं मेरे पास और भी चीजों के, जिनकी वजह से मैं रेगुलरली वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूंगी। लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपके अगर कोई भी सवाल है, आप कुछ अर्जेंटली कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज आप मुझे मेल करिए momstorybysahana@gmail.com पे। तो मैं कोशिश करूंगी कि एक दो दिन के अंदर आपको जरूर रिप्लाई करूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। नमस्कार, मुझे अब आज्ञा दीजिए।